बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे मैंगो कुल्फ़ी। मैंगो कुल्फ़ी बहुत ही मज़ेदार बनती है और कम बजट में बनके तैयार हो जाएगी। मैं आपको इसकी ऐसी रेसिपी दूंगी कि जिसे आप बहुत कम बजट के अंदर बच्चों के लिए बना सकते हैं। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इसको बहुत पसंद करते हैं। चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लेना होगा आम। ये मैंने दो आम लिए हैं। सबसे पहले इसके हम इस तरह से पीसेस कर लेंगे। इस तरह से हमें इसका तमाम पल्प निकाल लेना होगा। तमाम पल्प हमने निकाल लिया है। अब सबसे पहले इसे हम ग्राइंड करेंगे। तमाम पल्प को हम जार में डाल देंगे। एक गिलास दूध और चीनी मैंने लिए 5 चम्मच। आप ये देख लीजिएगा कि आम कितना मीठा है, तो उसके मुताबिक ही चीनी डालनी है। या आप कितना मीठा खाना पसंद करते हैं, आप उसके मुताबिक भी ले सकते हैं। एक चुटकी नमक। नमक से क्या होता है, फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप एक पिंच से ज़्यादा नहीं डालिएगा। दूध की जगह पर आप पानी भी ले सकते हैं। पानी के साथ भी ये कुल्फ़ी बन सकती है, मगर दूध के साथ बनाएंगे तो एक क्रीमी बनेगी और अच्छा जायका आएगा। और पानी के साथ भी अच्छा ही आता है जायका, मगर आप अगर दूध लेना ना चाहें तो आप पानी भी ले सकते हैं गिलास। अब इसे हम ब्लेंड करेंगे। इसे हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। देखिए इतनी थिकनेस होनी चाहिए। अब इसे हम किसी स्टेनर के अंदर या छलनी के अंदर पहले छानेंगे, क्योंकि आम के अंदर रेशे भी होते हैं तो वो हमें हटा देने होंगे। देखिए थोड़े थोड़े ये पीसीस से ये निकल गए। इस तरह के अगर आपके पास सांचे हों तो आप वो ले लें, ये बेस्ट होते हैं। या फिर अगर ये ना हो, अगर इस तरह के सांचे या मोल्ड नहीं है, तो आप गिलास के अंदर भी कर सकते हैं। कप होते हैं चाय वाले, आप उसमें भी बना सकते हैं। पेपर गिलास में ही बना सकते हैं। जो आपको सहूलत हो आप उस तरह से बना सकते हैं। इस तरीके से हमें इनको इन सांचों में डालते जाना होगा। इस तरीके से इनके कैप हैं, इनके साथ आपने इनको बंद कर देना है। इसमें आइस यानी बर्फ बिल्कुल भी नहीं जमेगी। बहुत बेहतरीन ये आपकी मैंगो कुल्फ़ी बनके तैयार होगी। और इन्हें आप 5 से 6 घंटे के लिए फ्रीज़र कर दें, बेहतरीन रिज़ल्ट आता है। या फिर आप ओवरनाइट रख दें। अभी इनको मैं ओवरनाइट रखूँगी और जब ये जम जाएंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और देखें ये अच्छे से जम चुकी है, हमने इसे ओवरनाइट रखा था। अब हम कुल्फ़ी को डीमोल्ट करेंगे। इसे हम थोड़ी देर के लिए इसी तरह से रहने देंगे ताकि ये नीचे से सॉफ़्ट हो जाए और निकालने के अंदर आसानी हो। बस हल्का सा इसे हमें इस तरह से पुश करना होगा और ये कुल्फ़ी बाहर निकल कर आ जाएगी। और ये कुल्फ़ी आप देख सकते हैं कितनी आसानी से बाहर निकल कर आई है और कितनी परफेक्ट बनी है। इस तरह से आप घर में बच्चों को बना कर दें। बाज़ार की केमिकल वाली कुल्फियाँ ना ख़रीदें, बच्चों को घर में बना कर दें। और ये हमारी मैंगो कुल्फ़ी बन के तैयार हो चुकी है।